सो फाइनली गाइस, पिक्सल एक्सपीरियंस की तरफ से एक नए अपडेट को रिलीज़ किया है मार्केट के अंदर, और ये हमारे रेडमी 7 के लिए कितना स्टेबल है कितना नहीं, उन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड ये इसी महीने के सिक्योरिटी पैच के साथ हमें देखने को मिलता है, और ये पिक्सल एक्सपीरियंस का लास्ट अपडेट होगा। इसके अलावा आपको एंड्रॉयड 11 का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, सीधा आपको एंड्रॉयड 12 देखने को मिलेगा। अब इस वाले अपडेट के अंदर हमें क्या कुछ नया देखने को मिला है, कितनी परफॉर्मेंस हमें प्रोवाइड करता है, क्या कुछ है इसके अंदर, सब कुछ आपको बताऊंगा। और ये हमारे डिवाइस के लिए स्टेबल है या फिर नहीं, उसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वेल, यहाँ पर बात की जाए पिक्सल एक्सपीरियंस की ना, तो यहाँ पर आप आंख बंद करके इस ओएस को यूज कर पाओगे, क्योंकि आपके डिवाइस को ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। उसके अलावा बात की जाए इसकी एक दो एडिशन की, मतलब कि एक है रेगुलर एडिशन, उसके अलावा आपको यहाँ पर प्लस एडिशन भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर आप सभी को एडवांस लेवल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब कि आप पिक्सल एक्सपीरियंस को भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। अभी सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कुछ इस टाइप का आपको इसका लुक देखने को मिलता है, और ये मुझे लगता है कि सबको पता होगा। यहाँ पर आपको गूगल की सारी एप्लीकेशन देखने को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये पिक्सल एक्सपीरियंस है और ये पूरा गूगल बेस है। यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन काम करेंगी वो सारी ही गूगल की होंगी, उसके अलावा आपको कोई भी फालतू एप्लीकेशन इसके अंदर देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पर गूगल कैमरे गो को भी ऐड कर दिया है, आपको कोई भी एक्सटर्नल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इसे यूज करो, आपको गूगल कैमरा देखने को मिल जाएगा। और ये गूगल कैमरा इसके लिए काफी स्टेबल है, आप आसानी से इसे इस्तेमाल कर सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि आपको गूगल कैमरे के अंदर कोई दिक्कत आएगी। उसके अलावा बात की जाए इसके कंट्रोल पैनल की ना, तो कंट्रोल पैनल के अंदर लगभग सारे ही फीचर वर्किंग हैं, और यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस इतना स्टेबल है कि आपको यहाँ पर कोई भी बग देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कास्ट का दिक्कत आ सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई भी बग देखने को नहीं मिलेगा। एंड मैंने आपको पहले ही कहा कि अगर आप एक स्टेबल कस्टम रोम को फाइंड कर ही रहे हो ना, तो आप पिक्सल एक्सपीरियंस का यूज करो, आपको ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा। अभी बात की जाए इसकी नेटवर्क कनेक्टिविटीज की, तो आपको यहाँ पर वाईफाई अच्छे से वर्किंग है, और यहाँ पर आपका मोबाइल डाटा इंटरनेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर अच्छे से वर्किंग है। अगर बात की जाए इसकी ब्लूटूथ की या फिर कहें तो कास्ट की ना, तो कास्ट आपका यहाँ पर वर्किंग नहीं है, एक बार आप ट्राई कर सकते हो, क्या पता वर्किंग हो जाए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी के अंदर काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर इस फीचर को अभी तक अलाउ नहीं किया गया, मतलब कि वर्किंग नहीं किया गया। उसके अलावा यहाँ पर बात करते हैं बैटरी परसेंटेज की या परफॉर्मेंस की, तो भाई साहब आपको पता है कि लाइनेज का जो कर्नल है ना, वो बैटरी परफॉर्मेंस काफी अच्छा प्रोवाइड करता है, और इसी के अंदर वही है, तो आप समझ सकते हो कि बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। डिस्प्ले के अंदर वही आपको डार्क मोड देखने को मिल जाता है, उसके अलावा आप कुछ और भी चेंजेस कर सकते हो, अपने डिस्प्ले की साइज को चेंज कर सकते हो, नाइट लाइट का यूज कर पाओगे। अभी नाइट लाइट भी यहाँ पर 100% वर्किंग है, ऐसा नहीं है कि आपका नाइट लाइट यहाँ पर वर्किंग नहीं है, तो आप इसे भी आसानी से यूज कर पाओगे। लाइव डिस्प्ले का आपको ऑप्शन मिल जाता है, आप अपने डिस्प्ले के जितने भी कलर्स हैं अपने मुताबिक यहाँ पर चेंज कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कलर्स काफी हाई होते हैं, आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो आप अपने डिवाइस के कलर्स को भी मेंटेन कर सकते हो। सो अभी बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर के बारे में। अभी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लॉक स्क्रीन एंड स्टाइल का, मतलब कि आप अपने डिवाइस के स्टाइल को चेंज कर सकते हो। अभी स्टाइल के अंदर आप अपने डिवाइस के आइकन्स या फिर कहें तो वॉलपेपर्स, ग्रिड वगैरह सब कुछ यहाँ पर चेंज कर सकते हो। हालांकि आपको यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस के ऑफिशियली वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने डिवाइस के कलर्स, थीम्स, यहाँ पर आइकन्स को सब जगह चेंज कर सकते हो, और ये काफी अच्छा फीचर है अगर आप अपने डिवाइस को मॉडिफाई करना चाहते हो। अभी यार एक नया ऑप्शन है ये वाला, अभी ऑप्शन क्या काम करता है मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो कि आप अपने फोन की स्क्रीन को नहीं देख रहे हो, तो उसी हिसाब से आपका जो डिवाइस है आपके डिवाइस की जो ब्राइटनेस है उसे अपने आप कम कर देगा। जब आप अपने डिवाइस की स्क्रीन को देखोगे तो अपने आप इसका ब्राइटनेस अप हो जाएगा, तो मतलब समझ लो कि आपका डिवाइस यहाँ पर फ्रंट कैमरे का उपयोग कर रहा है आपके आंखों को डिटेक्ट करने के लिए, और ये काफी अच्छा फीचर है। आप एक बार यूज करके देखना, अगर ये अच्छे से वर्किंग है तो मुझे बताना, अगर ये वर्किंग नहीं है तो भी मुझे बताना। एंड यहाँ पर डिस्प्ले के अंदर और कोई भी फीचर के बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सभी ने इसे यूज किया हुआ है। अभी हम बात करने वाले हैं सिक्योरिटी को लेकर।
तो सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मेन है कि आपके डिवाइस के अंदर कौन सी सिक्योरिटी आपको देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो आप अपने डिवाइस के अंदर पैटर्न अनलॉक भी लगा सकते हो एंड यहाँ पर फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हो, और ये फीचर लगभग सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ कि हमारे डिवाइस के अंदर ये 100% वर्किंग है। आप देख सकते हो इसका जो फिंगरप्रिंट है काफ़ी क्विकली काम कर रहा है, और पिक्सल एक्सपीरियंस का जो फिंगरप्रिंट है ना वो सबसे ज़्यादा तेज़ है। उसके अलावा जब मैं आपको अपने दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कितना अच्छे से रिस्पॉन्स आ रहा है, और जब भी आप अपने डिवाइस को ओपन करोगे ना एक एनिमेशन भी आता है और आपका डिवाइस यहाँ पर काफ़ी अच्छे से अनलॉक भी होता है। तो ये वाला फीचर मुझे काफ़ी अच्छा लगा और फिंगरप्रिंट को लेकर मुझे कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐप लॉकर देखने को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड मैं प्लस एडिशन को ही यूज़ कर रहा हूँ और प्लस एडिशन के अंदर भी मुझे ये फीचर देखने को नहीं मिला है। तो भाई साहब इसके लिए आपको कोई एप्लीकेशन तो डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके अलावा बात की जाए इसके कुछ गेस्टर्स की, तो ये सारे फीचर तो लगभग सेम ही हैं जो पिक्सल एक्सपीरियंस के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। हालांकि ये मकसद नहीं है कि आपको सब कुछ इसके बारे में बताना, लेकिन हाँ आपको इतना पता होना चाहिए कि पिक्सल एक्सपीरियंस के नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। अभी प्लस एडिशन के अंदर ना आप अपने डिवाइस के स्टेटस बार को चेंज कर सकते हो, हालांकि स्टेटस बार को उतना ही चेंज कर सकते हो जितना आपको ज़रूरत है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी फालतू का फीचर ऐड नहीं किया गया है, बल्कि आपके डिवाइस को काफ़ी स्मूथ बनाया गया है, और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर पिक्सल एक्सपीरियंस को लेकर काफ़ी सीरियस हैं डेवलपर्स एंड काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी स्टेटस बार के अंदर आप जितना चेंज कर सकते हो, टाइमर से लेकर बैटरी परसेंटेज से लेकर बैटरी आइकन से लेकर, वो आपके ऊपर है। अगर आप अपने डिवाइस को और भी यूनिक बनाना चाहते हो और भी अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या करोगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। पिक्सल एक्सपीरियंस का वैसे भी काफ़ी अच्छा इसका रिस्पॉन्स है, काफ़ी इसका अच्छा यूआई है। उसके अलावा एंड्रॉयड 11 तो आपको देखने को मिल ही जाता है एक नई सिक्योरिटी पैच के साथ, और ये इसी महीने का सिक्योरिटी पैच है, और अभी इसका पूरा रिव्यू मैंने कर दिया है। अभी मुझे बताओ कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा, और हाँ गाइस अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप इसे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, तो चलो इंस्टॉलेशन वीडियो भी देख लो। अभी गाइस बारी आती है पिक्सल एक्सपीरियंस को इंस्टॉल करने की, तो इंस्टॉल करने के लिए आपको अपने डिवाइस के रिकवरी मोड में जाना होगा, और मैं अपने डिवाइस के रिकवरी मोड में आ चुका हूं एंड मैं यहां पर यूज़ कर रहा हूं ऑरेंज फॉक्स रिकवरी का बीटा अपडेट, और पिक्सल एक्सपीरियंस का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप सिंपली डाउनलोड भी कर सकते हो। उसके अलावा अभी आपको सबसे पहले अपने डिवाइस को फॉर्मेट करना होगा, आप सिंपली वाइप पे जाएं, अपने डिवाइस को फॉर्मेट करें और यस टाइप करें। फॉर्मेट करने के बाद आपको अपने डिवाइस को एडवांस वाइप भी करना होगा, ये सबसे जरूरी है। आपको यहाँ पर डेलवे कैचे सिस्टम डाटा वेंडर सभी को क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली स्वाइप कर देना है। ऐसा करने से आपका डिवाइस पूरा क्लीन हो जाएगा और जितना भी रोम आपने इंस्टॉल किया होगा वो सारा खत्म हो जाएगा। अभी आपको सिंपली अपने डिवाइस के रिबूट में जाना है और रिकवरी में दोबारा से वापिस आना है, मतलब कि दोबारा से इसे ओपन करना है। ऐसे में आपका जो डिवाइस है पूरा क्लीन हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। अभी आप लोग एलिजिबल हो जाओगे अपने डिवाइस के अंदर किसी भी रोम को इंस्टॉल करने के लिए, और हम तो सिंपली इसके अंदर पिक्सल एक्सपीरियंस को इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। अभी आपको सिंपली क्या करना है, अपने डिवाइस के यहाँ पर ODG के अंदर जाना है, जहाँ पर भी आपने फाइल को रखा होगा आपको सिंपली क्लिक करना है और इसे स्वाइप टू फ्लैश कर देना है। अभी हमारा जो रोम है फ्लैशिंग होना चालू हो चुका है। अभी मैं वीडियो को फास्ट करने वाला हूँ ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। सो गाइस ये था एक छोटा सा वीडियो जिसके अंदर मैंने आप सभी को पूरा रिव्यू दिया है एंड इसका इंस्टॉलेशन भी बता दिया है, और आप लोग इस तरीके को इस्तेमाल करके अपने डिवाइस को 100% बूटअप करवा सकते हो और इस रोम का मज़ा ले सकते हो। एंड अभी मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लगभग मैंने सब कुछ इसके अंदर बता दिया है,
पिक्सल एक्सपीरियंस वाकई में काफी स्टेबल है और आप लोग इसे आसानी से यूज कर सकते हो। हालांकि अभी आपको सीधा इसका एंड्रॉइड 12 देखने को मिलेगा, जब भी आएगा मैं आपको जल्दी से वीडियो बना के दे दूंगा। तब तक के लिए आप इसी वीडियो को एंजॉय करें और सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको जितना भी वीडियो के अंदर बता रखा है बस इतना फॉलो करेंगे ना तो आप एकदम सक्सेसफुली अपडेट कर सकते हो अपने डिवाइस को, रोम इंस्टॉल कर सकते हो वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में।